ट्राइबल चीफ से पंगा लेकर कैसे बचेगा केविन ओवेंस? क्या रोमन रेंज में है इतनी हिम्मत कि वो केविन ओवेंस के अमले से सैमी ज़ेन को बचा सके? जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, सर्वाइवर सीरीज में भले ही रोमन की टीम ने केविन ओवेंस और उसकी टीम को हरा दिया, लेकिन सर्वाइवर सीरीज और उससे पहले वाले स्मैकडाउन में केविन ओवेंस रोमन रेंज पर काफी भारी पड़े थे, और सर्वाइवर सीरीज मैच में भी केविन ओवेंस और उसकी टीम जीतने ही वाले थे कि सैमी ज़ेन ने केविन ओवेंस को धोखा दिया। तो इसीलिए आने वाले स्मैकडाउन में केविन ओवेंस सैमी ज़ेन पर जानलेवा हमला भी कर सकते हैं। लेकिन केविन ओवेंस को ये मालूम ही नहीं कि आने वाले स्मैकडाउन में अगर वो सैमी ज़ेन का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्राइबल चीफ भी उसी शो में उसी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी न्यूज सामने आ रही है कि सर्वाइवर सीरीज में केविन ओवेंस ने जानबूझकर रोमन रेंस को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था, जिसकी वजह से रोमन के कान के पर्दे फट गए थे, और ये चीज बिल्कुल रोमन को पसंद नहीं आई और वो केविन ओवेंस पर काफी गुस्से में थे। और आने वाले स्मैकडाउन में एक तरफ केविन ओवेंस सैमी ज़ेन का इंतजार कर रहे है, तो दूसरी तरफ ट्राइबल चीफ भी केविन ओवेंस के इंतजार में है कि कब वो ब्लड लाइन के जाल में फंस जाए। बस देखना है कि आने वाले स्मैकडाउन में कौन किस पर बारी पड़ सकता है, ट्राइबल चीफ या केविन ओवेंस। आपको क्या लगता है हमें प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए गुड बाय।